अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बहुत ही टेस्टी पालक छोले की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आई। चलिए, इसके बनाने के लिए हमने 200 ग्राम या 250 ग्राम तक का लेते हैं। ये काबुली चना है। रात को हम इसको अच्छे से धोकर भिगो के रखे थे। सुबह हम एक प्रेशर कुकर में इसको डालेंगे और इसमें एक गिलास पानी ऐड कर देंगे, एक चम्मच नमक और आधा चम्मच खाने का सोडा ऐड कर देंगे। खाने का सोडा ऑप्शनल है। और इसमें फ्लेवर आने के लिए कुछ गरम मसाले ऐड करेंगे। इसमें तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग और एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर देंगे और अच्छे से गला के ले लेंगे। दूसरी साइड हम ये एक बंच पालक का लिए हैं। इसको अच्छे से धो लेंगे एक कढ़ाई में। पहले से हम पानी को बॉईल करके लेंगे। पानी गर्म होने के बाद इसमें ये पालक डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और इसको 2-3 मिनट तक पकाएंगे। और इसका कलर ना चेंज हो इसके लिए हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे। पहले इसको हम एक मिक्सर के जार में पालक को ऐड कर देंगे और आधा कप ठंडा पानी ऐड कर इसको पीस कर पेस्ट बना कर ले लेंगे। ये देखिए, पालक का कलर चेंज नहीं हुआ है। और इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 2 चम्मच घी ऐड करेंगे। ये सब्ज़ी घी में बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद घी गर्म होने के बाद इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक बारीक कट करके लेंगे इसके, और इसे फ्राई कर लेंगे। और इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हमें फ्राई करना है। ये देखिए इस तरह। इसके बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे जब तक कि अदरक लहसुन की कच्ची इसमें ख़त्म हो जाए। और इसके बाद एक छोटा सा मीडियम साइज़ का टमाटर को बारीक कट करके इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से गला के ले लेंगे। ये देखिए। और अभी ये मसाले अदरक लहसुन का पेस्ट होना जले इसलिए इसमें 2-2 टेबलस्पून पानी ऐड करके हम इसे भून लेंगे इस तरह से। पहले हम 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके भून लिए और उसके बाद फिर से 2 टेबलस्पून पानी ऐड किए। इसके बाद 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर दीजिए। 1 चम्मच धनिया ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे और 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। और इसके बाद 1 बड़ा चम्मच छोले मसाला ऐड कर देंगे और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे आप अनारदाना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इन सब मसालों को अच्छे से भून लेंगे। गैस हमारा लो फ्लेम पे है। इसके बाद हम ये पालक वाली प्यूरी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और छोले जो गल गए थे उसका जो पानी बचा हुआ था वो पानी भी हम इसी में ऐड कर देंगे। छोलों को अलग कर लेंगे और वो पानी जो बॉईल करने के बाद बचा था वो इस ग्रेवी में ऐड कर देंगे। अभी हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड किए हैं और मिक्स कर रहे हैं। ये 2-3 मिनट तक हमें इस तरह से पकाना है। ये जो बॉईल किया हुआ छोले का पानी था ये इसमें हम ऐड किए हैं अभी। इसके बाद 4 टेबलस्पून दही को फेंट कर इसमें ऐड कर देंगे। पहले हम 2 टेबलस्पून ऐड किए थे और इसको अच्छे से मिक्स कर लिए। इसके बाद फिर से और 2 टेबलस्पून दही इसमें ऐड कर दिए जिससे पालक में जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये देखिए, मसाला बहुत ही अच्छे से पक रहा है। और दही को अच्छे से मिक्स होने के बाद अब ये बॉईल किए हुए छोले हम इसमें
ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारे छोले बहुत ही अच्छे से बॉईल हुए थे, इस तरह से बॉईल होना चाहिए। ये देखिए, और छोले ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके इसको ढक के कम से कम 10 मिनट तक हमें पकाना है। ये सब्ज़ी आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं या चावल के साथ भी खा सकते हैं, लंच और डिनर में बना सकते हैं। ये देखिए 10 मिनट के बाद ये इससे थोड़ा सा ऑयल भी निकल रहा है सब्ज़ी से, और ये छोले और पालक बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। और अब उसमें और टेस्टी बनाने के लिए हम तड़का दे रहे हैं। 1 टेबल स्पून इसमें हम घी ऐड किए हैं, थोड़ा सा ज़ीरा, 3 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक के स्लाइसेस और थोड़ा सा हींग ऐड करके हम तड़का बनाएं। तड़का इसमें ऐड करने के बाद प्लेट को आप ढक दीजिए ताकि इसका फ्लेवर उसमें सब्ज़ी में आ जाए। इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आप लोगों को आज की हमारी रेसिपी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।